गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है आपकी हिंदी। हिंदी की पाठ्य पुस्तक नीलमणि में आज हम पार्ट दो रंगा सियार कहानी का अध्ययन करेंगे। मैं इस कहानी रंगा सियार कहानी का क्या उद्देश्य है उसके बारे में आपको बता देती हूँ। पहले इस कहानी में यही बताया गया है कि इंसान हो या पशु, अधिक दिनों तक किसी झूठ या कपट का सहारा नहीं ले सकता है। यही बात इस कहानी में बताई गई है। कहने का तात्पर्य है कि चाहे इंसान हो चाहे पशु हो, वह झूठ को अपने मतलब झूठ और कपट का सहारा अधिक दिनों तक या लंबे समय तक नहीं चला सकता। वो किसी न किसी रूप में आपके सामने व्यक्त हो ही जाता है, वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। कि झूठ किसी भी प्रकार से बोला जाए, वो किसी न किसी प्रकार से आ ही जाता है सामने। तो इस कहानी में यही बताया जा रहा है कि झूठ का सहारा अधिक लंबे समय तक नहीं चल पाता है। जंगल में सीलू नामक एक सियार रहता था। सियार अपना भोजन खोजते खोजते गांव में आ गया। एक जंगल था, उसमें सीलू नामक एक सियार रहता था। वह अपना भोजन खोजते खोजते, सियार जो था वो अपना भोजन खोजते खोजते कहाँ आ गया, गांव में आ गया। शाम हो गई, कोई शिकार ना मिला। परंतु उसको शाम हो गई पर एक भी उसको भोजन मतलब शिकार भोजन प्राप्त नहीं हुआ। घूमते घूमते एक धोबी के घर पास पहुंचा। धोबी के दरवाजे पर एक होज था। होज मतलब होता है पानी रखने का एक बड़ा पात्र। होज मतलब होता है पानी जो होता है उसमें बड़े से जो टैंक वैंक देखे हैं आपने, वो होज में नील भरा था। क्या भरा हुआ था? जो पानी था वो किस कलर? नीले कलर का। नील होता है ना उस कलर का। सीलू ने सोचा कुछ खाने का सामान होगा। वह सोच रहा था कि भोजन कैसे मिले, तभी उसका पैर फिसल गया। मतलब जो सीलू था उसने उस पानी के होज को देखा और उसमें नील भरा था, तो वो सोचा कि भाई इसमें कुछ खाने का सामान भरा है। तो वह सोच ही रहा था कि भोजन इसको अपन कैसे प्राप्त करें, तभी उसका क्या होता है, पैर फिसल जाता है। सियार होज में गिर गया, उसका पूरा शरीर नीला हो गया। मतलब वो नील के पानी में गिरा तो उसका शरीर क्या हो गया, नीला हो गया। किसी तरह होज से बाहर निकला। जंगल में पहुंचा तो सभी जानवरों से कहा, मुझे भगवान क्या होते हैं, ईश्वर, ये रंग देकर जंगल का राजा बनाया है। आज से मैं मतलब वो देखो नील में नीला कलर नीला हो गया, उसका जो उसका शरीर का कलर था नीला हो गया। और वो जंगल में पहुंचा और जंगल वालों से झूठ बोलने लगा जानवरों से कि भगवान ने मुझे ये रंग देकर जंगल का राजा बनाया है। तो ये झूठ बोल रहा है वो जंगल के जानवरों से। आज से मैं जंगल का राजा हूँ। सभी ने उसे जंगल का राजा मान लिया। जंगल में एक चीनू सियार भी था, मतलब वहीं पर जहाँ सीलू रहता था वहाँ पर भी एक चीनू सियार भी था। वह ज़्यादा बुद्धिमान था। बुद्धिमान मतलब समझदार, बुद्धिमान का मतलब होता है समझदार। उसने ध्यान से देखा, वह समझ गया कि यह सियार ही है किंतु नीले रंग में रंग गया है। मतलब जो चीनू सियार था उसने वो समझदार था तो उसने उसको ध्यान से देखा, भाई कहीं तो उसका रंग अलग होगा थोड़ा सा, इसलिए उसने ध्यान से देखा और वह समझ गया कि ये तो सियार ही है और इसे नीले रंग में रंग गया है और सबको मूर्ख बना रहा है। उसने ये बात कुछ जानवरों को बताई। सभी ने कहा, कैसे पता चलेगा कि ये सियार ही है? सियार ने कहा कि आज रात सभी एक स्थान पर इकट्ठा हो मतलब एकत्रित हो, एक साथ हो। रात में मैं हुआ हुआ की आवाज़ करूँगा। हुआ हुआ जो सियार करते हैं ना, मतलब हुआ हुआ, रात को सियार देखा आपने कभी जंगलों के अंदर, हुआ हुआ की आवाज़ आती है तो सियार क्या करता है, रात को हुआ हुआ की आवाज़ करता है। मेरी आवाज़ सुनकर सियार होने के कारण वह भी हुआ हुआ करेगा। सभी जानवर चीनू सियार की बात मान ली। रात को जब सन्नाटा हो गया
तो सभी जानवर उस सियार के पास इकट्ठा हुए। चीनू सियार ने हुआ हुआ की आवाज़ की। सिलू सियार भी रात के अंधेरे में हुआ हुआ करने लगा। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो जानवर होता है जैसे सियार है अपनी प्रकृति को मतलब परिवर्तन नहीं करता है, अब उसकी आदत है हुआ हुआ करने की रात को, तो वो ज़रूर हुआ हुआ करने लगा। मतलब अपनी प्रकृति से चेंज नहीं होता है वो अपने, मतलब कैसे भी किसी भी प्रकार से वो अपने आप में परिवर्तन, शरीर भले ही उसका नीला हो गया था पर वो अपना उसका जो आदत थी वो दोनों परिवर्तन हुई उसकी। तो उसने चीनू सियार ने हुआ हुआ आवाज़ की तो सिलू सियार ने भी रात के अंधेरे में हुआ हुआ करने लगा। सिलू सियार को हुआ हुआ करते देख सभी जानवरों ने उसकी खूब पिटाई की। जब उसने सबसे क्षमा मांगी, जो सिलू सियार था उसने क्या करा, पिटाई हुई इन जानवरों ने की तो उसने सबने सबसे क्या मांगी, क्षमा मांगी। क्षमा मतलब माफ़ी। तो सभी उस चीनू सियार के पास ले गए। तभी सब क्या हुए, चीनू जानवर जो थे वो किसके पास ले गए, चीनू सियार के पास ले गए। सभी जानवरों ने सिलू को क्षमा करने को कहा। चीनू ने सियार के सिलू को क्षमा कर दिया, कहा दोबारा ऐसा काम कभी मत करना कि भाई झूठ का सहारा तुम कभी भी मत लेना, कभी भी झूठ मत बोलना, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। अपनी आदतों में तो परिवर्तन हो नहीं सकता, सिर्फ अपने रंग रूप में अपन परिवर्तन कर सकते हैं, तो झूठ का सहारा अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता है, नहीं चल सकता है, वो किसी ना किसी रूप में आपके सामने व्यक्त हो ही जाता है, सामने आ ही जाता है। तो इंसान हो या पशु, उसका झूठ या कपट अधिक लंबे समय तक नहीं चल सकता है, इसलिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। इस कहानी में यही बताया गया है कि झूठ का सहारा अधिक दिनों तक नहीं चल सकता है, इससे अच्छा है कि आप सत्य ही बोलें, झूठ का सहारा नहीं लें। धन्यवाद।